नमस्कार साथियों, मैं काजल निशा। आज आप सबने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए एक अपना लुक लेकर और उन्होंने संवाद किया। ठीक है, स्पीच तो खैर नहीं कह सकते, संवाद किया उन्होंने। लेकिन क्यों उनको संवाद करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, उनके जो नेता है, जैसे सरकार में जितने भी लोग हैं, भाजपाई हैं, गोवर्धन भक्त है, सभी लोग ये कहते हैं कि धरना पर जो बैठे हैं वो तो खालिस्तानी है, दलाल है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। ठीक है, तो धरना पर जो बैठे हैं वो तो वो सब है, किसान तो है नहीं, फिर आपको संवाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी साहब? पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये सब ये कहते हैं कि किसानों को सब बरगला रहे हैं। किसान जो है वो दूध पीता बच्चा है। किसी ने कहा है सुनो मैं तुझे बरगला रहा हूं, और किसान ने कहा ओके ठंड में मैं भी बरगला रहा हूं। ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। किसान के छोटे छोटे बच्चे तो धरना पर बैठे नहीं है, किसान बैठे हैं ना। थोड़ी बुद्धि थोड़ी विवेक तो उनमें होगी कि किसी ने कह दिया कि आओ भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूं सच क्या और झूठ क्या है, और उन्हें कुछ नहीं पता, मासूम से बच्चे होकर धरना पर बैठ गए किसी के कहने पर। ऐसा तो है नहीं, है ना। तीसरी बात, ये कहते हैं कि ये सब किसान नहीं है, ये सब दलाल है, आतंकवादी है, और विपक्ष या कोई और या जो मोदी जी के विरोधी है सब इनको बरगला रहे हैं, इनको चढ़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं। किसको भड़का रहे हैं? किसको? किसान तो है नहीं। आपके हिसाब से किसान तो वहां बैठा नहीं है, फिर किसको भड़का रहे हैं? आपके हिसाब से जो धरना पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो कोई और है, तो बाकी सब लोग भड़का रहे हैं किसानों को कहां पर? आपके हिसाब से किसान खुश है, अपने घर में है, ठंड में भी वो सुख से है, परिवार के साथ है, तो बाकी सब लोग जो है वो भड़का रहे हैं किसको? किसानों को। तो आपके हिसाब से किसान कहां पर है? घर पर है, तो घर पर भड़का रहे हैं ना। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? भड़काने दो, चढ़ाने दो, आपके खिलाफ बोलने दो, आपको फर्क क्यों पड़ा इतना? आपको फर्क पड़ा तभी तो आप स्क्रीन पर प्रकट हुए ना, नहीं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, होती रहती है, कुछ ना कुछ जब गलत होता है सब धरना पर बैठ जाते हैं, हाथरस की बात हो या कोई और अन्य बात हो, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सब सरकार के खिलाफ धरना पर बैठते ही है, और तब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता साहब। इस बार आपको फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि वो असली किसान है देश के, वो जो धरना पर बैठा है वो किसान है। आपका सिंहासन डोलने लगा है, मन में चोर है आपके, कहीं कुछ गलत होता नजर आ रहा है आपको, आपको लग रहा है कि अब बात संभलेगी नहीं, तब आप स्क्रीन पर प्रकट हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो किसान बैठे हैं। क्योंकि अगर वो किसान नहीं होते तो आपको क्या फर्क पड़ता है? काजू की रोटी खाइए, मशरूम खाइए, घूमिए, ठगोरनाथ बनिए या आसाराम बनिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता कुछ भी करे आपको फर्क क्या पड़ता है? लेकिन आपको फर्क पड़ा है क्योंकि आप जानते हो कि वो ठंड में धरना पर बैठा है, वो किसान है। ठीक, और आपने आज जो भी कहा, सॉरी जो भी फेंका, वो कुछ नया तो फेंका नहीं आपने। आपने कहा किसान कहीं से भी कहीं भी जाकर अपना अनाज बेच सकता है, वो तो पहले भी बेच सकता था। ठीक है, यहां किसानों की जो मांग है वो मांग ये है कि आप
कानून जो आप बनाए हो उसमें बदलाव कीजिए, और बदलाव करने के बाद भी आपके मुंह से बोली हुई बात का तो कोई हंसो मत कोई भरोसा नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमने हमेशा कहावत सुनी थी ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना साहब, आपके साथ तो ऐसा है ना कि वचन भले चला जाए लेकिन मेरी कुर्सी ना जाए, वचन भले चला जाए लेकिन मेरा प्राण न जाए, काजू की रोटी ना जाए, मशरूम की सब्जी ना जाए, हाँ इतना अच्छा पहनावा हम पहने हैं, घूम रहे हैं, ये सब सुख सुविधाएं कहीं गायब ना हो जाए, ये आपके साथ है। इसलिए आपकी जबान की कोई कीमत नहीं है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। लिख के दीजिए ना साहब, लिखिए, ठप्पा मार के दीजिए, यकीन दिलाइए ना वो जो धरना पर बैठा है उनको, दिलाइए यकीन। आपकी बातों का क्या भरोसा, आपकी बातों का क्या भरोसा। आपने तो कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दिखाई नहीं दे रही, कहीं दिख रही है क्या, कहीं नहीं है। 15 लाख आएंगे, आए क्या, ये हो जाएगा, हुआ क्या, वो हो जाएगा, हुआ क्या। आपकी बातों का कोई भरोसा नहीं है साहब, बोलिए मत, करिए, करके दिखाइए। इतनी सारी रैलियां कर देंगे आप लोग तब कोरोना फैल नहीं रहा, और संसद में एक बिल पारित करने के समय कोरोना फैल जा रहा आपको, हाँ ठगोर जी। तो ये जितनी बार आकर बोले, कुछ भी कहे, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं है, कोई और है, कुछ है, कुछ लिखित, कुछ प्रमाण, कुछ कागज आपके पास है कि वो किसान नहीं है? अच्छा, जाकर धरना में सबसे पूछे थे क्या, बताओ भाई तेरा आधार कार्ड क्या नाम है, कहां से आया है, कहां का है तू? और सब पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे क्या जो आपने ऐसे बयान दे दिए? तुम्हारे खुद का आधार कार्ड क्या होगा, उसमें क्या नाम होगा? देखो जरा, उनके बारे में बात कर रहे हो आप जो ठंड में बैठे हैं और साहब स्क्रीन पर प्रकट हो जाते हैं अचानक से एक नए लुक में बातें कहकर। साहब नहीं रहा किसी को भरोसा, नहीं रहा किसी को, ठीक है। और चिंता आपकी किनके लिए है, किसानों के लिए है, क्योंकि आप जानते हो ना कि धरना पर बैठे वो किसान है। कोई उनको बरगला रहा है, कोई भड़का रहा है, वो तो हमेशा होता है, सदियों से होता है, आपको क्या फर्क पड़ता है। किसान घर पे बैठा है ना, आपकी नजर में किसान धरना पर बैठा है वो किसान नहीं है, किसान घर पे बैठा है, खुश है, आपने जो भी बैंक में दान दक्षिणा दी उससे खुश है, है ना। तो उनको कोई भी भड़का है, क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क आपको पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि वो किसान है, ठीक। अब मैं सारे साथियों से एक और बात कहना चाहती हूं कि ठीक है, ये सब राजनीति और ये सब आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रहेंगे, लेकिन एक और गंभीर समस्या हमारे देश में आ चुकी है, गंभीर समस्या। जैसे हम कहते हैं ना कि डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई या और प्राणियों की प्रजाति लुप्त हो गई, अब दिखाई नहीं देगी, जितना हो सके उनको बचाओ, एक अभियान चलाओ, उनको सेव करो, होता है ना। वैसे ही एक और प्राणी है जो लुप्त होते नजर आ रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, एक्चुअली अच्छा नहीं है, और वो है बिचारे अंधभक्त, बिचारे गोबर। ओहो, वो गोबर, वो अंधभक्त की प्रजाति लुप्त हो रही है मेरे भारतवासियों, लुप्त हो रही है। ढूंढो, पकड़ो, सेव करो उन्हें। कोई छछरा नहीं रहा, बड़बड़ा नहीं रहा, आग नहीं लग रही किसी को, बिचारे लुप्त होते नजर आ रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत घोर कलयुग आ गया। मैं तो पहले ही कहती हूं कि बहुत बड़ा पनौती है हमारा झांसा राम, बहुत बड़ा पनौती। 2020 में ही ये प्रजाति को लुप्त कर देंगे, फिर कौन आप
आपकी बात पर छरछराएगा, कौन आपकी बात पर बड़बड़ाएगा, कौन आपको हिम्मत देगा? ये बिचारे एकदम से गायब होते नजर आ रहे हैं। देखिए, ढूंढिए, कहीं जाके सुगरों के घर में कहीं घुस के बैठे तो नहीं है, गोबरों में कहीं मुंह छुपाकर ये कहां चले गए हैं? सारा देश किसानों के साथ है और ये पता नहीं कहां छुपे हैं। इन्हें ढूंढिए, पकड़िए, बहुत जरूरी है इनका मिलना, क्योंकि बहुत सारे जूते चप्पल सब पड़े हुए हैं इनके स्वागत के लिए। वेस्ट हो जाएंगे ना, वेस्ट नहीं करने हैं, एक एक जूता गिन गिन के मारना है, इसलिए इनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो तीर निशाने पर जो लगेंगे और झड़झड़ाएंगे, भड़भड़ाएंगे, तभी तो आपको हिम्मत मिलेगी। क्यों, ठीक है ना? धन्यवाद। और एक ही बात, जितना हो सके उतना हिम्मत के साथ हमारे किसान भाइयों का समर्थन कीजिए। बस, धन्यवाद।